अनाज मंडी में भीषण आग से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ये आंकड़ा 32 पहुंचा है। बेहद दुखद ये हादसा, बहुत बड़ा हादसा आज सुबह सुबह दिल्ली में हुआ। 32 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, इस इलाके में एक घर में, ये मंडी इलाका है पूरा, जिस घर में एक आग लगी, वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे हादसे ने 32 लोगों की जिंदगी को ले लिया। 3 घरों में गैर कानूनी तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी, प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है और ये आग इस तरीके से फैली। आप समझिए, प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी और ये आग फैली और इसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गैर कानूनी तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी। इससे पहले भी इस तरह के मामले जब सामने आए हैं, फैक्ट्री में आग लगती है, आसपास जो इलाका है वो इतना ज्यादा कंजस्टेड है कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है वो आप समझिए, 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 52 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी कुछ और लोग, 3 से 4 लोग और फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका भी जताई गई है। 3 घरों में गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक की फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो कैसे, कितने लोग इसकी जद में आ गए, ये हम आपको बता रहे हैं। लगभग 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 52 लोग को रेस्क्यू किया गया है और अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये तस्वीरें उसी इलाके की आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ, जब आग लगी। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्मोक की वजह से, यानी कि धुएं की वजह से, दम घुटने से जिनकी मौत हुई है, जो फर्श पर और अपने घर के बाहर गिरे हुए थे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची, दमकल कर्मी पहुंचे, तो उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब जो लोग फंसे हुए हैं वो बेहद गंभीर हालत में है, क्योंकि जैसी जानकारी मिल पा रही है, बहुत मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि संकरी गलियां होने की वजह से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए आग पर काबू देर में पाया गया। हालांकि आग बुझा ली गई है, ये जानकारी आपको हम दे दें। धुएं का गुबार इस तरह से है कि आप समझिए, आग पर काबू पाने के बाद भी पूरा इलाका धुआं धुआं है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कब हुआ, क्योंकि जब लोग सुबह अपने घरों में सोए थे उस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगती है और देखते ही देखते 32 लोगों की जिंदगी चली गई इसमें। ये कॉल हमें 5:22 में मिली थी। हमारा फायर सीन बिल्कुल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2-3 मिनट लगे गाड़ी को यहाँ भेजने पर, क्योंकि आप देख रहे हैं गली बहुत सक्रिय है, जिसके अंदर गाड़ी एक ही जा सकती है, बहुत मुश्किल से। अब तक हम लोग 50 से ज्यादा आदमी निकाल चुके हैं, उनका जो है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हॉस्पिटल भेजे गए थे, कुछ बेहोश थे, कुछ जले भी हुए थे। ज्यादातर जो लग रहा है, जो फायर की वजह से नहीं हुआ, ये स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुआ है। जो लोग गिरे हुए हैं या मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं, 50 करीब हम लोग निकाल चुके हैं, अभी 4-5 और सस्पेक्टेड हैं। आग बुझ चुकी है, आग में कोई ऐसी वो नहीं है कि आग ना बुझी हो, क्योंकि ये कपड़ा, गत्ता, अजीब अजीब सी तरह की चीजें थी, जो जिसमें उनके ढेरों को अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई और आदमी तो नहीं मिला वो कैजुअल्टी। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब इसमें होगी, क्योंकि जो अब निकल रहे हैं वो, क्योंकि लेट हो गया है, टाइम हो गया है, तो अब उनके जो बचने की संभावना कम है। जो लोग पहले निकले हैं वो उनमें से काफी लोग सर्वाइव करेंगे, काफी लोगों को जिंदा भी निकाला है। ये बिल्डिंग बेसिकली पैकिंग मटेरियल जैसी कुछ थी, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ज्यादा गाड़ी अंदर जा नहीं पा रही है। आग बहुत बड़ी नहीं थी, पर कैजुअल्टी के हिसाब से या आपके ये रेस्क्यू के हिसाब से ये दिल्ली की, मेरे ख्याल लगता है मेरे को, आज तक की सबसे बड़ी घटना। तो फिलहाल जैसा कि आप सुन रहे हैं, दमकल कर्मी ने साफ तौर पर बताया कि बहुत कम संभावना है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो बच जाएं, क्योंकि धुएं के चलते, दम घुटने से लोगों की ज्यादा मौत हुई है। आग तो ऊपरी हिस्से में भी फैली, लेकिन हम आपको बता दें कि लापरवाही साफ तौर पर यहाँ इसलिए आती है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये 3 प्लास्टिक की फैक्ट्रियां चल रही थी। अब ये इलाका इन तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि जब आग लगी होगी तो कैसे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि खचाखच ये इलाका भरा हुआ है, बहुत कंजेस्टेड है, संकरी गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, और यही कारण भी रहा कि जब दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं तो वो अंदर नहीं जा पाती। दमकल कर्मियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है आग पर काबू पाने के लिए। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये पुराना इलाका है, सारे जो घर हैं एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, और उसके बाद देखिए लंबे लंबे बिजली के तार भी आप देख रहे हैं कैसे यहाँ की गलियों में पड़े हैं। लेकिन फिलहाल तो जो जानकारी मिल पाई है, बेहद दुखद ये खबर है, क्योंकि 32 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, सूत्रों से ये खबर है। 10 से 32 पहुंचा और ये आंकड़ा 40 पहुंच सकता है, ये जानकारी भी इस वक्त आई है। 52 लोगों को रेस्क्यू कर
अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कुछ और लोगों के अभी इसमें फंसे होने की जानकारी भी है। रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं, दमकल कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। आसपास के घरों को पहुंचते ही खाली करा दिया गया था क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था, आग की लपटें बहुत तेज थी, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो इसकी जद में ना आए उन्हें वहां से हटाया गया। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर सुबह से देखने को मिला, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये हादसा जो हुआ है, इस हादसे ने लगभग 40 लोगों की जिंदगियों को लूट लिया। 32 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा 40 तक पहुंच सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। भीषण आग हादसे वाले घर में अब तक 52 लोगों को रेस्क्यू किया गया, इनमें से 40 लोगों के मरने की खबर है, 32 की तो पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, फिर से लापरवाही, घर के अंदर फैक्ट्री चल रही थी और उसके बाद देखते ही देखते ये हादसा हुआ और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे कई हादसे हमने देखे हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चलती है और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग संभल नहीं पाते, आसपास के लोग इससे प्रभावित होते हैं और एक बड़ा हादसा होता है, लेकिन हर बार लापरवाही को लेकर सवाल उठता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता।